हेलो जी, मैं हूँ मलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। और मेरे गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी गार्डनिंग भी अच्छे से कर रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं पेशेंस के फ्लावर के साथ। ये बहुत ही प्यारा कलर है। और थोड़ी सी वीडियो का जो मेरा टॉपिक है, वैसे तो इन फ्लावर्स के ऊपर नहीं है, तो लेमन के ऊपर है। तो जो लेमन मैंने अपने सीड से तैयार किया है, उसकी आज मैं आपको लेमन दिखा देती हूँ, तो उसके ऊपर मेरा वीडियो। लेकिन वीडियो से पहले जो मैं आपके साथ अपने जो मेरे सीडलिंग मैंने लगाई थी, उनके ऊपर भी फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। ये डेंथस है और उनकी ग्रोथ भी सारे प्लांट्स की आप देख सकते हैं मेरे, और बहुत अच्छे से हो रही है। और ये है सारे मेरे पेटूनियाज़ के भी जो हैं अभी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। तो ये थी थोड़ा मैं अपना जो है अपडेट, जो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी फ्लावर्स के ऊपर जो है मैं दे रही हूँ आपको। डिफरेंट शेड में हैं, डेंथस के साथ साथ पिटूनिया के साथ जो है मैरी गोल्ड के भी हैं, जो हाइब्रिड हैं। तो चलिए, ये था मेरा कुछ विंटर्स की सीडलिंग का अपडेट। आ जाते हैं अपने वापस लेमन प्लांट के टॉपिक के ऊपर। ये मेरा जो है लेमन का प्लांट, मैंने सीड से तैयार किया हुआ लेमन प्लांट है मेरा। आपको इससे पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो आप उसे देख सकते हैं। हो सकता है आपने नहीं देखा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके जो सीड से तैयार किया हुआ है प्लांट, उसके बारे में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि कितने टाइम बाद जो है सीड से तैयार किए हुए लेमन के ऊपर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वीडियो तब मैंने बनाया था जब इसकी फ्रूटिंग जो है स्टार्ट हुई थी। तो फाइनली आज जो है मेरे जो इस सीड से तैयार किए हुए प्लांट के ऊपर है लेमन आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए, येलो कलर हो गया है इसका। तो मैं इसे आज हार्वेस्ट करने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो है वीडियो शेयर करूँ। तो एक और है इसका लेमन, अभी वो पूरा पक्का नहीं है, तो मैं इस लेमन को अभी हार्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये थोड़ा सा भी हरियाली में है। तो ये वाला जो मेरा है पूरा पक चुका है, तो मैंने ये हार्वेस्ट कर लिया है। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। ये सीड से लगाया हुआ मेरा लेमन प्लांट है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये मैंने टेरिस के ऊपर ही लगाया हुआ एक बहुत बड़े ड्रम में। तो साथ के साथ इसकी जो है नेक्स्ट फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये मेरा 12 महीने फ्रूट देने वाला लेमन प्लांट है। तो देखिए, इसके जो न्यू फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हैं, तो ये पूरे 12 महीने मुझे फ्रूट देगा। और इसकी जो केयर है मैंने खुद ही की है सीड से तैयार करके। अभी इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है, काफ़ी बड़ा ये मेरा प्लांट हो गया है और टेरिस पे ही रखा हुआ मैंने, ड्रम के अंदर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपना जो लेमन प्लांट है सीड से लगा सकते हैं। तो सीड से तैयार करेंगे तो आपको जो है ये लेमन प्लांट 3 से 4 साल में फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी सीज़न है इसका फ्लावरिंग आने का, फ्लावर्स के आने के बाद ही इसके जो फ्रूट हैं तैयार हो जाते हैं, ये देखिए। और कुछ मैंने परचेज़ करके भी इसके प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके ऊपर भी फ्रूटिंग आ चुकी है, बट ये जो अपने हाथ से लगाया हुआ प्लांट होता है, तो उसकी केयर करना, आप खुद अपने प्लांट को एक बच्चों की तरह पालते हैं, तो बहुत खुशी होती है जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए, आज मैं ये लेमन प्लांट का एक जो फर्स्ट मेरा फ्रूट है, तो उसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर भी किया है। तो दिखा देती हूँ दूसरे जो मैंने परचेज़ किए हुए हैं वो प्लांट भी। ये देखिए, ये मेरा है सेकंड लेमन का प्लांट, ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। इसके ऊपर जो है लेमन थोड़े से बड़े आते हैं और साइज़ में थोड़े बड़े हैं। और ये भी है एक जो देसी लेमन है, वो इसका प्लांट है। इसके ऊपर भी जो है साइज़ इस तरह से, ये भी हार्वेस्ट में कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये गिरने वाला है। तो ये देखिए, जो घर से लगाया था मैंने सीड और उसका फ्रूट देखिए, और जो मैंने बाज़ार से लेकर लगाया था उसका अभी बहुत साइज छोटा है। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो केयर पे डिपेंड करता है या उसकी एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो फ्रूटिंग का साइज़ भी इस तरह से बढ़ता जाएगा।
तो अगर आपने सीड से तैयार करना है तो आप ज़रूर इस को अपना ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे पास लेमन आते हैं, वैसे जो हम इसके एयर लेयरिंग करते हैं तो फ्रूटिंग जो है 1 ईयर्स के बाद आना स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगे हैं इसके ऊपर 4 साल, बट ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, जो मैंने परचेज़ किए हैं प्लांट वो हैं, ये 2 या 3 4 प्लांट हैं मेरे पास टोटल। तो एक ये फर्स्ट हो गया जो मैंने आपके साथ अभी हार्वेस्टिंग की है सीड से, वो वाला, सेकेंड ये वाला, और थर्ड है इसका भी फ्रूटिंग आना स्टार्ट नहीं हुआ है। फोर्थ है ये, अभी मैंने छोटा सा इसी एक ड्रम के अंदर ही लगा दिया था, इसे मैं अभी दूसरी जगह पे निकाल के लगाऊंगी। और इनकी फ्रूटिंग तो बहुत देर बाद होने वाली है, बट जो मेरे सीड वाले हैं उसके ऊपर जो है फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट है और हार्वेस्टिंग भी मैंने आपके साथ की है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने प्लांट को सीड से लगाना चाहते हैं, एयर लेयरिंग जो है मच बेटर है, जल्दी फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सीड से लगाने वाले प्लांट हैं लेमन का, तो उससे फ्रूटिंग है मुझे 4 साल के बाद जो है मिली है। ये थी मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, आपके साथ शेयर की है। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को वॉच करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा मेरा वीडियो। और गुलदौदी के फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये था वीडियो। पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।